फिर गज के बुलाओ फतेह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन हमारे भाग कर आया फिर मेरा, सो है बंक द्वार सगला बन हरा। ऐसे दीन दयाल महान कृपालू दयालु सतगुरु छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलटकै मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा वट जोधा बहु पार उपकारी, पुछण सिख अरदास कर छेह मैलां तक दर्शन हारी, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी। ऐसे दीन दयाल महान कृपालू दयालु सतगुरु पिता मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, अज दे दिन गुरु की वडाली श्री अमर साहब जी की पावन पवित्र धरती ते सत्कार योग माता गंगा जी की कुख तों ते शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के पावन पवित्र ग्रह विखे प्रकाश धारण किया, जिन्होंने सिख कौम की झोली में बेअंत बरकतां पाईआं, तिन्हां दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब दीआं समूह नानक नाम लेवा दुनिया विच वसदियां होईआं संगतां नूं रब दा रेडियो अते समूह गुरद्वारा सीसगंज साहिब जी दीआं अमृत वेले जुड़ियां होईआं संगतां वल्लों दोवें हथ जोड़ के बेअंत बेअंत वधाईआं। सतगुरु चढ़ती कला करन बेअंत बरकतां पाईआं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सब तो पहला वड्डी दात संसारियां दी झोली दे विच पाई, जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब जी की रचना की। मीरी पीरी के मालक अखवाए बंदी छोड़ मुक्ति के दाते बन करके संसारियों नूं बंधना तो मुक्त किया। ऐसे महान सतगुरों के पावन पवित्र प्रकाश पुरब दियाँ दोबारा आप समूह संगतां नूं बेअंत बेअंत वधाइयां जी। गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल ਕਾਰੇ ਕ ਜਾਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।